दशरथ मांझी, जिनका जन्म 14 जनवरी 1924 को हुआ था और जिन्हें प्यार से माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है, बिहार में गया के पास गहलौर के गरीब गांव से निकले थे। केवल एक हथौड़ा और छेनी के साथ उन्होंने एक महान उपलब्धि हासिल की। अकेले ही एक पहाड़ के माध्यम से 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंची सड़क बना दी। 22 वर्षों के अथक परिश्रम से दशरथ की महान उपलब्धि ने अटारी और वजीरगंज ब्लॉकों के बीच की दूरी को 56 किमी से घटाकर 15 किमी कर दिया। हाशिए पर पड़ी मांझी ST जाति से आने वाले दशरथ को अपने बुनियादी अधिकारों के लिए लड़ते हुए शुरुआती जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जब त्रासदी हुई तो उनका संकल्प दृढ़ हो गया। उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी की चिकित्सा सुविधा के अभाव में जान चली गई। इस हृदय विदारक घटना ने दशरथ को अत्री और वजीरगंज के बीच की दूरी को पाटते हुए गहलौर पर्वत के माध्यम से एक रास्ता बनाने के दृढ़ संकल्प को प्रेरित किया। संरक्षित पहाड़ को काटने के लिए उपहास और कानूनी परिणामों का सामना करने के बावजूद दशरथ के अटूट समर्पण ने गहलौर के निवासियों के जीवन में सुधार किया। उन्होंने ताने सहते हुए और कुछ ग्रामीणों से समर्थन प्राप्त करते हुए अथक परिश्रम किया। 2007 में 78 वर्ष की आयु में दशरथ की पित्ताशय के कैंसर से मृत्यु हो गई। उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहलौर में 3 किमी लंबी सड़क और अस्पताल बनवाकर दशरथ मांझी को सम्मानित किया। उनकी विरासत कायम है। बिहार सरकार ने उनकी असाधारण सामाजिक सेवा को स्वीकार करते हुए 2006 में उन्हें पद्मश्री के लिए प्रस्तावित किया।